हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना को जैसा स्टारडम मिला ऐसा आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ। राजेश खन्ना पहले अभिनेता थे जिनके लिए सुपरस्टार शब्द का प्रयोग किया गया। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। उनकी लोकप्रियता का ये आलम था कि उनके बंगले के बाहर हजारों की तादाद में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए डटे रहते थे। उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से पटा पड़ा रहता था। लड़कियों में उनकी दीवानगी इस कदर थी कि लड़कियां अपने खून से उन्हें खत लिखा करती थी। और इतना ही नहीं, राजेश खन्ना की गाड़ी से उड़ती धूल से मांग तक भर दिया करती थी। ये बातें कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सन 1969 में राजेश खन्ना ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि फिर हर तरफ राजेश खन्ना ही राजेश खन्ना नजर आने लगे। सन 1969 में फिल्म आराधना रिलीज हुई जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। आराधना का एक दृश्य जिसमें फिल्म की नायिका शर्मिला टैगोर रेलगाड़ी में किताब लेकर बैठी है, तभी खुली जीप में राजेश खन्ना का प्रवेश होता है। जीप रेलगाड़ी के साथ साथ चल रही है और शर्मिला टैगोर खुशी से खिलखिला रही है। सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू। सिनेमा के इस अमर दृश्य ने राजेश खन्ना को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने बाकी सभी अभिनेताओं की दुकानदारी लगभग ठप कर दी थी। फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों से जमे जमाए फिल्म स्टार्स जैसे राजेंद्र कुमार, शमी कपूर और मनोज कुमार का करियर अचानक से ढलान पर आ गया था। सन 1969 से सन 1971 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। लगातार इतनी सफल फिल्में देने का उनका ये रिकॉर्ड आज तक भी कोई नहीं तोड़ पाया है। फिल्म आराधना की कहानी को शर्मिला टैगोर को ध्यान में रखकर लिखा गया था। उस फिल्म में राजेश खन्ना का पति और बेटे का डबल रोल था। फिल्म की कहानी एक औरत पर केंद्रित थी, पर दर्शकों ने फिल्म के केंद्र में शर्मिला टैगोर को नोटिस ही नहीं किया। पूरी फिल्म का क्रेडिट राजेश खन्ना ले गए और इस फिल्म का एक गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू मेगा हिट साबित हुआ। आशिक दिल का किसी पे ये आ जाए या आ तू चलिया। फैंस में उनकी दीवानगी का आलम ऐसा था कि जब एक ही वक्त में राजेश खन्ना की दो फिल्में आराधना और दो रास्ते बंबई के रॉक्सी और ओपेरा सिनेमा में चल रही थी, तो ऐसे में लोग एक सिनेमाघर से पिक्चर देखकर निकलते और दूसरे सिनेमाघर में जाकर पिक्चर देखने चले जाते हैं। सन 1969 में आराधना फिल्म के बाद राजेश खन्ना का रुतबा और भी विशाल हो गया था। वहीं दूसरी ओर किशोर कुमार का करियर भी टॉप पर था। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को उस दौर में बहुत से यादगार गीत दिए जो आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं। यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर गम से बेगाना होता है। आलम ये था कि पूरा हिंदी सिनेमा राजेश खन्ना और किशोर कुमार पर सिमट कर रह गया था। फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू ने भूचाल खड़ा कर दिया था। किशोर कुमार की मस्ती भरी आवाज राजेश खन्ना के लिए एकदम सटीक थी। हर की गलियां बाहों की कलियां सपनघट पे किस दिन गाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आए। इस गाने के बाद राजेश खन्ना और किशोर कुमार के बंगलों के बाहर फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लंबी लाइनें लग गई थी। हर कोई अपनी फिल्म में इस जोड़ी को लेना चाहता था क्योंकि इन दोनों का फिल्म में होना मतलब फिल्म के सुपरहिट होने की गारंटी थी। फिल्म आराधना के बाद इस जोड़ी ने एक से एक सुपरहिट फिल्मों की बौछार कर दी। सन 1969 से 1972 तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ही घोड़ा दौड़ रहा था।
और वे थे राजेश खन्ना। इस सब से राजेश खन्ना के स्टारडम में इस कदर इजाफा हुआ कि आज तक कोई भी सुपरस्टार वहां तक नहीं पहुंच पाया। उनकी पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि राजेश खन्ना के बंगले के बाहर एक पुलिस स्टेशन बनवाना पड़ा, जो बंगले के बाहर निगरानी रखता था और भीड़ जमा होने और यातायात की समस्या होने पर तुरंत कार्रवाई में जुट जाता था। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद रफी के करियर को ब्रेक लग चुका था। रफी साहब को केवल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अलावा और कोई भी संगीतकार काम नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं है कि रफी साहब ने राजेश खन्ना के लिए गीत नहीं गाए थे, उन्होंने काका के लिए कुछ गीत गाए हैं जो बेहद सफल रहे, जैसे हाथी मेरे साथी का ये गीत। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना, वहशी उसे सार की जान आज इंसान ने ली है, खुश रहना मेरिया। पर किशोरदा का जादू इस कदर छा गया था कि सभी संगीतकारों को लगता था कि मोहम्मद रफी का करियर अब खत्म हो गया है। फिल्म इंडस्ट्री में किशोर कुमार और राजेश खन्ना के इस तूफान में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं चाहते थे कि रफी साहब की आवाज कहीं खो जाए। वे उनके साथ काम करते रहे और सही वक्त का इंतजार करने लगे। एक के बाद एक हिट दिए जा रहे राजेश खन्ना की एक फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसका नाम था दिल दौलत और दुनिया। मगर कुछ समय के बाद फिर काका की एक फिल्म बाबरची ने अच्छी कमाई कर ली, जिससे उनका लड़खड़ाता करियर ऐसा लगा मानो संभल जाएगा। मगर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि राजेश खन्ना का करियर ढलान पर है। अभी भी राजेश खन्ना वही रोमांटिक चॉकलेटी हीरो और लटके झटके वाली इमेज बनाए हुए थे। उनके लिए गाने भी सिर्फ किशोर कुमार गा रहे थे। कहते हैं ना कि अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा। ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के साथ भी हुआ। राजेश खन्ना की फिल्मों में दर्शकों को कुछ नयापन नहीं मिल रहा था, जिससे दर्शकों का काका से मोह भंग हो गया। उनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। इस दौरान नए अभिनेताओं को मौका मिलना शुरू हो गया। अब आरडी बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज भी राजेश खन्ना की मदद नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान धर्मेंद्र का सितारा चमकने लगा। वे राजेश खन्ना के लिए चुनौती बनने लगे थे। यहां सिर्फ दो सुपरस्टार्स की जीत और हार का मुकाबला नहीं होने वाला था, बल्कि भारत के सबसे दो कामयाब गायकों का भी फैसला होने वाला था। सन 1973 तक धर्मेंद्र की 7 फिल्में हिट हो चुकी थी, जिससे दिख रहा था कि धर्मेंद्र सुपरस्टार बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और राजेश खन्ना उसी गति से सुपरस्टार के टैग से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि धर्मेंद्र की 7 फिल्में हिट हो चुकी थी, पर वे अभी भी राजेश खन्ना के रोमांटिक इमेज को टक्कर नहीं दे पा रहे थे। साल 1973 राजेश खन्ना के करियर पर भारी पड़ रहा था और इसी साल धर्मेंद्र और मुमताज की फिल्म लोफर रिलीज हुई। ये फिल्म राजेश खन्ना के तिलस्मी किले पर आखिरी कील साबित हुई। लोफर फिल्म का जबरदस्त निर्देशन, साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला संगीत, फिल्म की दमदार कहानी। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूं। धर्मेंद्र की ह्यूमन बॉडी और साथ ही फिल्म को हिट करने के लिए सभी मसाले मौजूद थे। ये फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छा गई। धर्मेंद्र ने इसी फिल्म से राजेश खन्ना की स्पीड को ब्रेक लगा दिया। लोफर फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। आज मौसम बड़ा बेईमान है मौसम, काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है। इस गाने ने राजेश खन्ना की रोमांटिक इमेज को लोगों के दिमाग से उतार दिया और धर्मेंद्र ने ये जगह बना ली। राजेश खन्ना के स्टारडम पर पहला सुराग
मोहम्मद रफी और धर्मेंद्र की जोड़ी के इस रोमांटिक गाने आज मौसम बड़ा बेईमान है ने किया। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाला, मैंने तेरे हवाले जीने दे चाहे तू मार डाले। इसी गाने से धर्मेंद्र के करियर का मौसम सुहाना हो गया था और साथ ही राजेश खन्ना के करियर में पतझड़ शुरू हो गया था। रफी साहब ने साबित कर दिया था कि उनके गीत सदाबहार थे, हैं और रहेंगे। ये सब चल ही रहा था कि इतने में अमिताभ बच्चन नाम की आंधी आ गई, जो राजेश खन्ना के किले की दीवारों के साथ ईंट पत्थर और सब कुछ उड़ा कर ले गई।